हाँ यहाँ पे ये जो है ग्रहों का स्वरूप बन गया है ना, नव ग्रहों के स्वरूप। हाँ, नव ग्रहों का स्वरूप है। देखो जैसे पहले बीच में सबसे पहले सूर्य आएंगे, हाँ। सूर्य के बाद आ गई चंद्रमा आ गई। अच्छा, सारे ग्रह जो है सूर्य की ओर दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, सभी ग्रहों की। हाँ, और यहाँ पे हमारे मोदक बनने स्टार्ट हो गए हैं, और कब्बू बना रही है मोदक, ये बनाए हैं प्यारे प्यारे से मोदक। पूरे चावलों से स्वास्तिक बनाए गए हैं, उसी के ऊपर से कलश की स्थापना की गई है, और यहाँ पे मातृ चौकी पे दुर्वा और गोबर से गणेश जी की स्थापना की गई है, और साथ में यहाँ पे प्रधान दीपक तावे की तौली के अंदर ही दीप प्रज्वलित होगा। यहाँ पे हमारे जो मोदक हैं वो भी तैयार हो गए हैं, और रोड बनाए हैं। हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा रोड का महत्व होता है, तो हमने रोड तैयार किए हुए हैं अभी। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत होगी सुबह के 8 बजे से, और मेरी सुबह की जो पूजा पाठ है ना वो सारी चीजें हो गई है, झाड़ू पोछा सब। आज है हमारे घर में पूजा, नवग्रहों की पूजा हो रही है, वो 2 दिन की पूजा है, तो स्टार्ट हो गया है हमारा सारा काम। पंडित जी आएंगे उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को ना पूरे घर का दिखा देती हूँ, कैसे हमने तैयार कर रखा है और मंदिर वगैरह, तो आप हमारे साथ बने रहना। और कब्बू भी तैयार हो गई है, कब्बू ने पहन लिया आज सूट, फ्रॉक सूट पहन ली इसने आज, ये भी तैयार हो गया। घर का जो रूम है ना वो भी हमने सब साफ कर लिया है, यहाँ का जो डाइनिंग हटा दिया है, और यहाँ का जो डाइनिंग है, बेड है, सारी चीज़ें हटा के पूरी लॉबी खाली कर दी है। तो यहाँ पे ना जो चौकी है वो भी लगा दी है, और पूजा का जो सामान है वो पूरा साइड में लगा दिया है। पंडित जी आएंगे उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे अपनी पूजा पाठ की जो विधि विधान है उससे, और हमारी दिवालियों की तैयारियाँ भी होगी हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह की जो पूजा पाठ है ना वो भी मेरी हो चुकी है, और मंदिर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, हमने साफ कर दिया है। अब दिवाली के लिए भी ना जो तैयारियां होती हैं पूरी हो चुकी हैं। बाहर भी जो यहाँ पे हमारी गाड़ी अंदर रहती थी वो भी बाहर लगा दी है, और यहाँ पे ना इस वाले नीचे वाले जीने में फूल माला भी हमारी लग चुकी है, साथ ही दिवाली की भी तैयारियाँ हो गई हैं। और बाहर ना गेट पर बैठा है डॉगी, ये भी गेट पर ही रहता है हमेशा, या तो अंदर चले जाते हैं ये पीछे की साइड। तो ये है हमारी आज की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। बाहर होंगे तो अब पंडित जी आएंगे, उसके बाद हमारी जो पूजा पाठ है ना वो आज की शुरू हो जाएगी। तो मैंने चाय रखी है, चाय पीते हैं सबसे पहले, गुड़ की चाय बना रखी है। हमारी जो पूजा है ना वो भी स्टार्ट होने वाली है, पंडित जी आ गए हैं, आचार्य हमारे, ये हैं हमारे आचार्य शास्त्री जी, लोग आए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे पूजा की चौकी तैयार की जा रही है, नवग्रह चौकी बन रही है, नवग्रह चौकी, इसमें नौ ग्रह मतलब नौ प्रकार के चावलों को कलर करके ग्रह बनाए जाएंगे, नौ ग्रह बनाए जाएंगे। हाँ गुरुजी आपको सबसे पहले तो प्रणाम, प्रणाम। कि क्या क्या है पूजा? हाँ हाँ आप बता दीजिए थोड़ा बहुत। थोड़ा सा नवग्रहों की चौकी तैयार कर रहे हैं, हाँ। फिर इसमें हम नवग्रहों का आवाहन करेंगे। अच्छा, ग्रह तो कोई भी जानता ही है, हाँ। है ग्रह करके, हाँ। तो ग्रहों का एक स्वरूप तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, प्रत्येक ग्रह का जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये सारे ग्रहों का एक स्वरूप तैयार होगा, उसी में ग्रहों का आह्वान होगा, ठीक, इसी चौकी में, इसी चौकी में सब ग्रहों का पूजन किया जाएगा, ठीक। ये है अभी सारी चीजें, मतलब ये जो ग्रह ये बनाए हैं ना घर, हाँ, इनमें सारे नवग्रह आएंगे, हाँ, इनमें सारे नवग्रह आएंगे। अभी पूरा चौकी तैयार होगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं, आपको दिखाइएगा।
हाँ, और यहाँ पे ना कलश सजाया जा रहा है अभी, कलश मात्री का हाँ स्थापित करेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे रोट और मोदक और पुए। इसमें हमने मिक्स कर दिया है तिल के तेल, हाँ आप ये ड्राई फ्रूट भी डाल दो। ये ड्राई फ्रूट इसमें काजू हो गए, बादाम हो गए और अखरोट, इनको हमने पीस लिया है। अब इसके हम मोदक के लिए आटा तैयार करेंगे। इसमें गुड़ डालना है और इसको पहले से नहीं नहीं ऐसे गुड़ से कर लेंगे अभी, रुक जा। हाँ, और इसमें घी से पहले तो इसको हम मसल के ना पूरा घी से मसलेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ से, हाँ दूध से गुड़ से इसका आटा तैयार किया जाएगा, उसके बाद इसके मोदक बनेंगे और रोट बनेंगे। तो आप सभी लोगों को भी दिखाया जाएगा हाँ कैसे होते हैं रोट। हमारे वहाँ रोट का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, किसी भी पूजा या शुभ कार्यों में रोट ही बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे मोदक बनने स्टार्ट हो गए हैं, और कब्बू बना रही है मोदक, मैं भी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मोदक हमने ये बनाए हैं प्यारे प्यारे से मोदक, और इधर तेल भी गर्म हो चुका है हमारा, इसकी लो फ्लेम कर रखी है इसकी आज जो है। इसमें आप डालेंगे हम मोदक डाल एक दो, सही हो रहा है क्योंकि ना ये मोटे मोटे होते हैं, तो इनको थोड़ा लो में बनाएंगे हम, ऑयल भी एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे बाहरी बाहर और अंदर की इसकी फिलिंग कच्ची रह जाएगी, तो इसको पकने देते हैं। हाँ यहाँ पे ये जो है ग्रहों का स्वरूप बन गया है ना, नव ग्रहों के स्वरूप, हाँ नव ग्रहों का स्वरूप है। देखो जैसे पहले बीच में सबसे पहले सूर्य आएंगे, हाँ सूर्य के बाद आगे चंद्रमा आ गए, अच्छा सारे ग्रह जो है सूर्य की ओर दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, सभी ग्रहों की हाँ। इधर सूर्य बैठे हैं, फिर आपका क्या कहते हैं चंद्रमा हो गए, ये मंगल हो गए, इधर बुध हो गए, ये बृहस्पति हो गए, ये शुक्र हो गए, इधर शनि हो गए, हाँ। राहु हो गए, केतु हो गए, सारे ग्रह जो है बीच में सूर्य की ओर देखते हैं। अच्छा जब हम ग्रहों की स्थापना करते हैं तो सभी ग्रह जो है सूर्य की तरफ देखते हैं। अच्छा ठीक, सूर्य सबसे प्रधान देव ग्रह भी है और सूर्य माने जाने वाले ग्रह जो है उसी की ओर केंद्रित रहते हैं। अच्छा ऐसी स्थापना होती है, ऐसी जो है ग्रहों की स्थापना होती है। अब फिर उसमें अधिदेवता प्रत्येक देवता आते हैं, सब कोई सूर्य के राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, अच्छा वैसे ही सारे ग्रहों के जो है अधिदेवता प्रत्यधिदेवता हैं, तो कोई उनके दाएं बैठते हैं, कोई बाएं बैठते हैं, और कोई देवता पूर्व में आते हैं, कोई पश्चिम में आते हैं, कोई उत्तर में आते हैं, कोई दक्षिण में आते हैं, तो इसी तरीके से जो है नवग्रह की चौकी को स्थापना की जाती है। और यहाँ पे होगी एक कलश स्थापना जो कि सारे पूरे चावलों से स्वास्तिक बनाया गया है, उसी के ऊपर से कलश की स्थापना की गई है। और यहाँ पे मातृ चौकी पे दुर्वा और गोबर से गणेश जी की स्थापना की गई है, और यहाँ पे सारी जो सामग्री है वो रखी है, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और साथ में यहाँ पे प्रधान दीपक तावे की तौली के अंदर ही दीप प्रज्वलित होगा। यहाँ पे हमारे जो मोदक हैं वो भी तैयार हो गए हैं, और रोट बनाए हैं। हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा रोट का महत्व होता है, तो हमने रोट तैयार किए हुए हैं अभी ये हैं, और यहाँ पे तल रहे हैं अभी, इनको घी में ही फ्राई किया जाता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा के लिए पूरे अपने कुमाऊँ वाले लुक में, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अपने बिल्कुल पहाड़ी लुक में पिछौड़ा और नथ वगैरह मैंने सारी पहन ली है, और हमारी पूजा की भी तैयारियां हो चुकी है। तो चलते हैं, आपको भी आज की पूजा दिखाते हैं, आप बने रहना मेरे साथ। भद्रमस्तु शिवंतास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन् त्वां सदादिवा सम्पदः सन्तु सर्वदा सपत्न्या दुर्गः पापा दुष्ट सद्वा दुभद्रवाः तमालपत्रमालोक्य निष्प्रभावा भवन्तु ते आयुष्मानं भवः। अम्बे अम्बिकै अम्बालिकै नमामि अति कसनौ शरदशकौशुभद्रिकां कांपीलवासिनीं महा आप ऐसा करो भैया की। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ओ
दस के भी है, अक्षर बारह दस के चढ़ा दिए है मैंने, नोट फिर मांगूंगा जब सब देना। सर्वोपचारार्थे गंधः चितानि संपूज्यः गंधम श्रादयामि अक्षतान् मधुर पुष्पाणि समर्पयामि नमः। वर्ण प्रतिमाएं आई है, हाँ कहाँ है, लाओ फिर कहाँ है, कल वहां रखी, कब उसमें कल तूने कहीं और तो नहीं रखी हो? फूल और अक्षर दे दो। स्वस्ति संवादे कलयन्नौ वस्तुं स्वस्ति नन्द्रौ वृद्धः सर्वाः स्वस्ति नः कुखानि सुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो वरिष्ठानि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु आयु प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च प्रियच्छन्ति तथा राज्यं नृणां पिता पितामहाय पुत्रा यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल श्रियं पशु सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयात्। पितृ पूजनाधार जोड़ लीजिएगा, पितरों के लिए अच्छा आशीर्वाद देंगे, हमारे घर में शुभ कार्य सदैव होता रहेगा और अच्छा आशीर्वाद देना। आप हमारी इस पूजा से संतुष्ट होइए और हमारी सभी ग्रहों दशाओं को अरिष्ट का निवारण करिएगा। वो कुंडी लियो हाथ में, तीन बगल घुमाओ, एक बगल जले धार दीजिए। स्वर्गवारी प्रतिष्ठा भवंतु, जल की धारा दे दीजिएगा, नीचे रखो। चार संकल्पित ग्रह गुण कण विशेषम विशिष्टायाम आदौ तिथि वर्तमान भारद्वाज गोत्र पितृपितामह प्रपितामृद्ध प्रपितामह पितामही प्रपितामही प्रतिपितामही भारद्वाज गोत्र माता कर्मणि तथा पूजन कर्म कर्मणि भो ब्राह्मणा तेन त्वामहं रणे जप कर्मणि पूजन कर्म कर्मणि भो ब्राह्मणा तेन त्वाम हम रणे व्रतोऽस्मि। के लिए हाथ जोड़िएगा। नौ ग्रहों की पूजा हो गई है क्योंकि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई पूजा में बैठने में, और यहाँ पे सभी नव ग्रहों की स्थापना होने के बाद पूजा पाठ, उनको रोट और मोदक का भोग लगाया गया, और यहाँ पे ताऊ जी लोग आ गए हैं। जय हो नव ग्रह। हाँ, नव ग्रहों की पूजा स्वीकार करना, सारे कष्ट दूर करना, सारे मनोकामना। और अब बनेगा ओदी प्रसाद वगैरह, ये खाओ फल दो। और यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त होने के बाद अब बन रही हैं पूरियां, और इसमें बना दी है हमने, मैं नीचे बैठूंगा। हाँ बैठो। इसमें बना दी हमने आलू की सब्जी, तरी वाली, घुट के मंगा बना रहे हो, जीरे वाली, ताई ने बना दिया उसमें, मैंने पानी डाला, वो दही वाली बना रही हूँ ना मैं। अच्छा, दही आलू, दही आलू। अब पूरियां बनाते हैं और खिलाते हैं सभी लोगों को, जो जो खाने वाले हैं, हम तो व्रत वाले हैं। तो कुछ बोलोगे आप? क्या बोलूंगा ये जाके नाम तो यूट्यूबर ही बोल सकता हूँ उसको, हमारे बस की काम आदत ही बोल कुछ। क्या बोले, आज हम नौ ग्रह की पूजा में आए थे, पूजा संपन्न होगी, बढ़िया हो गया, पंडित जी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए यहाँ पर, अच्छा बढ़िया लगा, अच्छा लगा। हाँ, ज्यादा ज्ञान मत लेना लेकिन। ज्यादा ज्ञान। आज की पूजा हो गई है हमारी और दीदी लोग जाने लगे हैं। हाँ, घर को जा रहा हूँ। अब कल होगा हवन, कल आएंगे हम, कल आएंगे, अब सब कल सभी का व्रत होगा,
सभी लोग हम पूरे अपने परिवार सही है, पूरे अपने रीति रिवाज से करेंगे और पूरे अपने ड्रेस में होंगे। आने लगे हैं यहाँ से ये, चलो बाय बाय। ओ चल ठीक छे भाई, रिलायंस वन पता नहीं आजकल। चलो बैठो बैठो, यहाँ ने पूरा रोड खोदी पूरा धूरा धूल तो हजार है। हिमांशु तो बिल्कुल पंडित जी जैसा लग रहा है। हाँ वो हमारे पंडित जी जैसा ही दिख रहा है। ये आ गया हिमांशु। अच्छा लग रहा है तो पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि हिमांशु कहीं बिरती करके आ रहा है। इधर को डाल, इधर को। चलो भी बाय बाय बाय। चले गए ताऊ जी लोग घर को। हेलो दोस्तों, तो आज की पूजा पाठ ना हमारी समाप्त हो गई है, शाम हो गई है और शाम की आरती वगैरह भी हो गई है। पंडित जी लोग चले गए हैं घर को और अब होगी हमारी कल पूजा। कल सुबह भी पूजा पाठ होगी, उसके बाद फिर दिन में हवन होगा। तो आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे सनातन धर्म में जो भी मतलब पूजा होती है, आज हमने अपने घर में नवग्रहों की पूजा करी तो उसका हवन होगा कल। मैंने आपको दिखाया हमारे वहाँ हिंदू धर्म में पूजा पाठ का क्या महत्व है और बहुत बड़ा नवग्रहों की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। तो उसी के बाद जो जाप वगैरह हुए वो पंडित जी ने कराए थे, पंडित जी लोगों ने किए थे, वो अभी चले गए हैं घर को। तो आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कमेंट कर देना, जय माता रानी का कमेंट कर सकते हैं आप, जय माता रानी का कमेंट कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म की सदा ही जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो।